हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास ये आया 6A का फ्लैशिंग के लिए फ़ोन, तो ये अभी ऑन नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले आपने फ्लैशिंग SP फ्लैशिंग टूल को डाउनलोड करना, उसके बाद इस तरह ओपन करना। ओपन करने के बाद आपने एक टूल को और डाउनलोड करना है, MCT मीडिया टेक बाईपास टूल। तो इसको आपने डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद आपने एक्सट्रैक्ट करना, करके आपने जहाँ पे डेस्कटॉप या किसी और फाइल के अंदर रख देना। उसके बाद क्या करना है, उस एक्सट्रैक्ट करने के बाद टूल को आपने फिर उसको ओपन करना है। इस तरह मैंने ये ओपन किया, इस तरह आपने ओपन करना। ओपन करने के बाद मोबाइल का वॉल्यूम डाउन और अप को आपने दबा के बाईपास FRP पे क्लिक करके आपने मोबाइल को वॉल्यूम डाउन और अप से कनेक्ट कर देना। वॉल्यूम डाउन और अप को सिलेक्ट करके बाईपास कर देना है। बाईपास करने के लिए, क्योंकि वो इसलिए आप करोगे कि आपका मोबाइल जो है आपके PC के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने SP टूल को ओपन किया और यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट किया है। यहाँ से नीचे वाली फाइल जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है, सेंटर में एक्सट्रैक्ट फाइल। तो ये फाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करके आपने एक्सट्रैक्ट करके इसको फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस तरह ये बाईपास टूल मैंने अभी इसको क्लिक किया है और ये कनेक्ट हो चुका हमारा फ़ोन। तो यहाँ पे ये सोल्यूशन, अगर आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये एरर आ रहा है आपको, तो उसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले ऑप्शन पे जाना, यहाँ सेटिंग करना और इसके बाद जर्नल पे जाना। जर्नल के बाद यहाँ पे आपको ये लास्ट वाला जो पॉइंट है अनटिक कर देना, और उसके बाद आपने दोबारा से इसको फ्लैशिंग करना है। तो ये मैं आपको चेक करवा रहा हूँ फ्लैशिंग। तो अब ये मेरा फ़ोन दोबारा से हमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये FRP बाईपास हमने बाईपास के लिए क्लिक किया और यहाँ पे हो चुका है अब कनेक्ट हमारा फ़ोन। तो ये अब कनेक्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ से डाउनलोड के ऊपर भी क्लिक किया हुआ है, तो ये फ़ोन ऑटोमेटिकली अब हमारा जो है ये देखो फ्लैशिंग हो रहा है। तो ये अब हमारा फ़ोन जो है टोटली फ्लैश हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा फ़ोन अब चल रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ से वेट करने के बाद ये फ़ोन हो रहा है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपका फ़ोन नहीं हुआ तो दूसरा स्टेप भी मैं आपको बताता हूँ आगे। ये हम एरर आ गया यहाँ पे, तो इसको सोल्यूशन करने के लिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या करना, क्योंकि ये फ़ाइल जो हमारी है ये क्लियर फाइल नहीं है फाइल, क्योंकि ये यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि नए नए वर्जन आते हैं इसके, इसमें शायद ये हो या ना हो। तो शायद वाली बात है, इसमें हो सकता है हो जाए, ना हो सकता है ना हो जाए। दोबारा ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब फ़ोन हमारा जो है फिर से ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब फिर से चल रहा है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। इस तरह वेट करें और यहाँ पे थोड़ा सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन फिर से मैं ट्राई करता हूँ। तो इस मरतबा ये हमारा फ़ोन तकरीबन ट्राई करता हूँ मैं। ये अब कनेक्ट कर रहे हैं हम, यह अब हमारा फ़ोन हो चुका है, बट इसको ऑन करेंगे हम ये नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनलॉक टूल के ऊपर जाना। तो मैं आपको अब अनलॉक टूल के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये हमने अब अपना अनलॉक टूल जो है वो ओपन किया है, और यहाँ से मीडिया टेक के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आपने फ्लैश ऑडिया इन पर करना है, जैसे फ्लैश होल्ड पर करना है। फ्लैश होल्ड पे करने के बाद आपने सेक्ट्रेक्ट फाइल पे ऊपर ये फाइल जो आपने डाउनलोड की हुई है मोबाइल की वो सिलेक्ट करनी है, और नीचे में ऑल MT के जो आपका SP टूल है उसके अंदर जो है फाइल है MT ऑल इन वन DA वाली फाइल आपने इसके अंदर सेलेक्ट करनी है। आप थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। इस तरह मैंने सेलेक्ट किया, और सेकंड वाली फाइल भी जो है ये अब इस तरह सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना कि यहाँ से एक ऑप्शन ऊपर आएगा, पहले मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। अगर ये चल गया तो एक और ऑप्शन जो है आपका इस फाइल के अंदर वो आएगा जी कस्ट का। ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर खुले हुए, यहाँ से आपको कस्ट का जो ऑप्शन है उसको अनटिक करना है। तो अनटिक करना है, मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा पूरे का पूरा। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और आपको समझ भी आएगी तब ये पूरी वीडियो आप देखेंगे। तो यहाँ से मैं कोशिश करने जा रहा हूँ ये अब कि इस फाइल को, इमेज को ओपन करना है। आपने फाइल पे जाके इमेज को ओपन करना है।
यहाँ से फाइल में जाके आपने इमेज को ओपन करके सेलेक्ट करना फर्स्ट वाली, और सेकंड वाला जो है आपने ये ऑल इन वन ये भी इसी तरह ओपन करना है इमेज के ऊपर। तो ऊपर वाला जो है वो फाइल ऑलरेडी आपने सेलेक्ट की हुई है, तो इस तरह इमेज के बीच में से आपने फाइल ऑल इन वन डी ए वाली फाइल निकालनी है। उसके बाद मैं आपको अब दिखाता हूँ फ़ोन कनेक्ट करके, फ़ोन का वॉल्यूम डून और अप आपने दबा के और इसको कनेक्ट कर देना। अगर अप दबाओगे तभी कनेक्ट हो जाए, वॉल्यूम अप और डून में ये सिस्टम इसका बिल्कुल सेट रहता है। तो आपने उसको दबा के यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब मैं आपको थोड़ी देर में कनेक्ट करके दिखाता हूँ, अगर नहीं होगा तो दोबारा वहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, तो उसके सलूशन के लिए हमें कस्ट फाइल को जो है वो अनटिक करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम यहाँ पे। आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसको जो है फ्लैश किया जाए। तो आपको फ़ोन में ये अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, फिर दोबारा डेस्कटॉप के ऊपर वॉल्यूम अप और डाउन का बटन दबा के मैंने प्रेस किया। अब इसकी जो यूएसबी प्रेस करने जा रहा हूँ, ये अब मैं इसकी यूएसबी प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, ये किया मैंने, अब ये नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से बाईपास, नहीं ये कनेक्ट हुई, फिर से कनेक्ट करनी है आपने इसी तरह। ये आप ट्राई करता हूँ मैं, आपने बाईपास पे पहले अट्ठो बाईपास पे कनेक्ट करके आपने इसको कनेक्ट करना, और बाद में उस पर आपने फ्लैश पे आपको इसमें को फ्लैश करना। अब ये भी मेरी फ्लैशिंग हो रही है, पर ये फ्लैशिंग नहीं होगी। आप करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, उसको आपने रिमूव करना है। उसको रिमूव कैसे करना है, आपने कस्ट फाइल को यहाँ से आप देखते रहें, यहाँ से एक येलो वाला आएगा नीचे, आप चलते रहना, वहाँ पर ये बोलेगा कि आपकी फ़ाइल जो है बिल्कुल ये कस्ट जो कस्ट है इसको आपने अनटिक करना। तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं कस्ट पे, अब कस्ट को अनटिक करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपका फ़ोन हो गया तो कमेंट हमें करके ज़रूर बताएं। या अब नहीं हुआ है हमारा फ़ोन, तो उसके लिए हमें कस्ट फाइल जो है कस्ट यहाँ पर आपने ढूँढना है, स्क्रोल करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पर आएगा 32 नंबर के ऊपर कस्ट, कस्ट को अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद फिर से दोबारा कोशिश करेंगे हम कि इसको किसी न किसी तरीके से, ये स्क्रॉल किया मैंने, अब ये 32 नंबर पे आएगा, यहाँ से 32 नंबर 32 नंबर पे आएगा। तो इसको आपने अब क्या करना है, ये अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद दोबारा से आपने फिर यहाँ से अब फ्लैश करना है, पहले ऑटो करके इसको कनेक्ट करना है। ऑटो बाईपास, ऑथ बाईपास, ऑथ बाईपास, और उसके बाद फ्लैश करना है आपने। यह अब फ्लैश हमारा फ़ोन जो है हो रहा है, यह फ्लैश और सक्सेसफुल ये फ्लैश होगा। इसकी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ लगा के। अब ये तकरीबन हमारा फ़ोन जो है डन होगा, इंशाल्लाह डन होगा, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस जो किया पिछले एसपी टूल के ऊपर, तो वो तो हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब के लिए मैं जो ये काम करने जा रहा हूँ ये सक्सेसफुल होगा। तो इंशाल्लाह अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, जैसे जैसे प्रोसेस रहेगा थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लो सिस्टम चल रहा है। तो इसलिए, क्योंकि ये फाइल पहली जो डिलीटिंग हो गया, नई फाइल ये अपडेट होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, तो आप बने रहें हमारे साथ। अब ये हमारा फ़ोन जो है सक्सेसफुल फ्लैश हो जाएगा। अब ये फ़ोन हमारा सक्सेसफुल जो है फ्लैश हो चुका है। तो अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फ़ोन, अब ये फ़ोन हमारा जो है सक्सेसफुल हो चुका है, अब आप देख सकते हैं।